गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन, आप कैसे हैं बेटा? हमने कौन सा चैप्टर किया था? 13 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे चैप्टर 14, जो कि आपका चैप्टर है ज्योमेट्रिकल शेप्स। कौन सा चैप्टर है? ज्योमेट्रिकल शेप्स। आज हम इसकी क्या लेंगे? इंट्रोडक्शन। क्या लेंगे? इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी चैप्टर 14, ज्योमेट्रिकल शेप्स। फिफ्थ क्लास का मैथ है ज्योमेट्रिकल शेप्स। यूनिट आपका बनता है 14। ओके स्टूडेंट्स, तो सब बच्चे अपने अपने बुक ओपन करेंगे। इसमें क्या है? आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड शेप्स के बारे में है। ज्योमेट्रिकल शेप में क्या है आपका? ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन, ये ट्रायंगल, ये सब क्या होते हैं? तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका पॉलीगन्स। ए पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज फिगर। पॉलीगन देखिए क्या है। ए पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज फिगर। क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स आपको पता ही है, लाइक दिस। आप कुछ भी बना सकते हैं। ये आपको पॉलीगन फिगर्स है, जो कि क्या है? क्लोज्ड। क्लोज मतलब क्या होती है? बंद होती है। और ओपन क्या होती है? खुली होती है। तो ये क्या है? पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज फिगर, जो कि बंद है। ओके स्टूडेंट्स, सम एग्जांपल्स दिए मैंने आपको। ये एग्जांपल्स हैं आपके पॉलीगन फिगर के, एग्जांपल्स हैं आपके सारे। ओके स्टूडेंट, यू कैन सी ए पॉलीगन विद थ्री साइड्स ऑफ फिगर गिवन अबव, दैट इज ए ट्रायंगल। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि थ्री साइड से क्या है? बन होनी चाहिए। ये क्या हो जाती है? ट्रायंगल। क्या हो जाता है? ट्रायंगल। ये क्या है आपका, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है? स्क्वायर। ये क्या है आपका? रेक्टेंगल। क्या है आपका? रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे जो शेप्स हैं आपके सामने हैं, इसे पॉलीगन शेप भी कहा जाता है, इसे क्लोज फिगर भी कहा जाता है, जो चारों साइड से आपके या थ्री साइड से क्या हो? बंद हो। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स। मैंने बोला लाइन सेगमेंट ओनली है तो वो कोई भी पॉलीगन फिगर हो सके, लेकिन जो ट्रायंगल है वो थ्री साइड से होती है। ये लाइन 1, ये 2 और ये 3। इसका नेम लिखेंगे तो ए बी सी, तो कौन कौन सी होगी? ए बी, बी सी एंड सी ए। कितनी साइड हो गई? 1, 2, 3। 1, 2, 3। तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स हो गई? 3। रेक्टेंगल में कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। स्क्वायर में भी कितनी हो गई? 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका शेप से रिलेटेड ए ट्रायंगल एंड ए पॉलीगन। ए ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज फिगर मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट्स। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इट हैज थ्री लाइन सेगमेंट्स एंड इट्स साइड्स। आपके सामने मैंने अभी आपको बताया था ए बी, बी सी एंड सी ए। थ्री वर्टिक्स इसके कोने कौन से हो गए? वर्टिक्स, ये तो हमारी क्या होगी? साइड्स। वर्टिक्स होता है कोने, वर्टिक्स होता है कोने। ए बी सी, ए बी सी। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, अपने अपने नोटबुक में भी देख सकते हैं आप। वर्टेक्स कौन से होते हैं? वर्टेक्स कौन से हो गए? ए बी एंड सी। और एंगल्स भी इसके कौन से हो गए? कौन एंगल्स? एंगल क्या होता है? कौन एंगल की, एंगल का साइन है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये साइड ए कौन सा है? एंगल। किसका साइन है ये? एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे ज्योमेट्रिकल शेप्स में हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं।
ए वर्ड ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. कौन कौन से दो वर्ड से मिला है? ट्री एंड एंगल्स. ट्री मीन्स थ्री. ट्रायंगल मतलब ट्री मीन्स थ्री. सो ट्रायंगल मीन्स ए फिगर हैविंग थ्री एंगल्स. इसमें कितने एंगल्स हो गए? थ्री एंगल्स, तीन कोण हो गए. द सिंबल डैश इज यूज फॉर द वर्ड ट्रायंगल. इसे हम क्या साइन देते हैं? ट्रायंगल ए बी सी. ये क्या है? ट्रायंगल सी डी ई. तो इसको क्या नाम दिया है? ट्रायंगल का. क्या नाम दिया है? ट्रायंगल का साइन है ट्रायंगल साइन. साइन होता है चिन्ह. तो सब बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको दिक्कत ना हो. द सिंबल डैश इज यूज फॉर वर्ड ट्रायंगल. सो वी नेम द अबाउट ट्रायंगल हैज ट्रायंगल ए बी सी. अदर नेम्स फॉर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल ए सी बी. तो आप इस प्रकार कोई से भी नाम इसको दे सकते हैं. जैसे मैंने दिया ई एफ जी, तो आप दे सकते हैं ट्रायंगल ई एफ जी. ट्रायंगल एफ से शुरू कर सकते हैं एफ जी ई, फिर ट्रायंगल जी ई एफ. ओके स्टूडेंट, तो ये ट्रायंगल का साइन आपको समझ में आ गया. इसे कहते हैं ट्रायंगल. बार बार बताऊंगी मैं आपको. ये है ट्रायंगल ई एफ जी, ये है ई एफ जी. फिर एफ से शुरू करेंगे एफ जी ई, फिर शुरू करेंगे जी ई एफ. तो ये क्या है? ट्रायंगल. क्या है ये? ट्रायंगल. सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसे. अब देखिए इसके अंदर और कौन से शेप्स के बारे में बताया है. एंगल्स कौन कौन से होते हैं? एंगल्स सारे होते हैं. 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, लाइक दिस चलता रहेगा. तो आपको हमने एंगल्स के बारे में बताया था. जो 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से लेस होते हैं, उनको कहते हैं क्यूट एंगल. जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे कहते हैं राइट एंगल. और जो 180 डिग्री का होता है उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल. तो ये सारे के सारे आपके ज्योमेट्री से ही रिलेटेड हैं. तो आपको वो कुछ ट्रायंगल्स बनाने के लिए भी दी जा सकती हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका सिमेट्री. सिमेट्री किसे कहते हैं? सिमेट्री का मतलब तो जो भी शेप हो उसका हमें क्या करना है? आधा करना है. सिमेट्री इज द एग्जैक्ट लाइकनेस इन ए शेप अबाउट गिवन लाइन, पॉइंट और प्लेन. ओके स्टूडेंट, कहते वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास दैट प्लेन शेप और फिगर्स विच कैन बी फोल्डेड ओवर अ टच सच ए वे दैट द टू पार्ट्स मैच एग्जैक्टली आर कॉल्ड सिमेट्रिकल फिगर. अब मैं आपको सिमेट्रिकल के बारे में बताऊंगी. देखिए बेटा, ये आपको समझ में आ गया. अब है सिमेट्रिकल. देखिए बेटा, जैसे अगर आपने ये लिया है कागज को, ऐसे फोल्ड लिया है, जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो क्या आ जाएगी? बीच की लाइन डॉट आ जाएगी. तो इसे कहते हैं सिमेट्री. इसे कहते हैं सिमेट्री. सब बच्चे ध्यान से देखें कि सिमेट्री का शेप क्या होती है. ये आपका स्क्वायर स्केयर था. अब आपका रेक्टेंगल ले लेते हैं. जब इसको भी हम फोल्ड करेंगे तो इसमें से बीच का हिस्सा निकल आएगा. मतलब वो उसको हाफ को बताता है. ऐसे शेप ले लीजिए, दिल की शेप ले लीजिए. अगर हम इसको हाफ करते हैं तो इसकी हाफ प्लेट निकल आएगी. लाइक दिस सर्कल ले लीजिए और इसको भी हम मोड़ेंगे तो इसकी हाफ शेप निकल आएगी. तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक. किसी भी फिगर को क्या कर सकते हैं? सिमेट्री करना, उसको बराबर में करना.
जो लाइनों से बैठी होती है आप हमेशा उसको डॉट में डाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका कॉम्ब। क्या हो जाता है ये कॉम्ब, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्री कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कॉम्ब तो ये है आपकी सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, और आप किसी भी शेप का क्या कर सकते हैं, सिमेट्री कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। इस सिमेट्रिकल फिगर कैन है वन लाइन ऑफ सिमेट्री और मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। सॉलिड्स आल्सो शो सिमेट्री, सम सॉलिड्स कैन बी कट इनटू हाफ्स सो दैट बोथ द हाफ्स आर आइडेंटिकल। मतलब ये जो हम सिमेट्री करते हैं वो आपस में क्या दिखाई देती हैं, सेम दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ लाइंस हो सकती हैं आप उसको सिमेट्री कर सकते हैं, उसका आंसर यस और नो में देना होता है आपको। जैसे लाइक दिस, ये एक लाइन है आपके सामने, इसकी सिमेट्री कर सकते हैं यस, ऐसे कर सकते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा यस। इसकी सिमेट्री कर सकते हैं, अगर ये हो सकती होगी तो ऐसे हो सकती है, इस प्रकार भी हो सकती है इसकी सिमेट्री, तो क्या आ जाएगा यस। तो क्वेश्चन की सेंस देखनी होगी कि हमें इसने कौन सा क्वेश्चन में पूछा हुआ है, किस सेंस में पूछा हुआ है। तो आपको फिगर बनानी भी आ सकती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल, कॉन, समथिंग कुछ और, ट्रायंगल, स्क्वायर, और आपको उसको हाफ करना भी आ सकता है, और आपको ट्रायंगल्स को मेजर करना भी आ सकता है कि आप एक ट्रायंगल बनाइए 4 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, लाइक दिस। तो जब हम ये चैप्टर रीड करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको, अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉ इन योर नोटबुक केयरफुली। अब इन्होंने बोला है कि बाय लेंथ ऑफ इट्स साइड, कि ट्रायंगल्स कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पर ट्रायंगल्स 3 प्रकार की हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रायंगल्स ऐसी हैं, तो इसकी बेटा एक डेफिनेशन है आपको मैं समझाती हूँ। ये आपका पेज नंबर 128 पे है, सब बच्चे ध्यान से देखिए कि लेंथ ऑफ, कहते हैं बाय लेंथ ऑफ इट्स साइड। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ये आपकी टेबल है 128 पेज पे, लेंथ ऑफ साइड्स, फिर इसके क्या है, नेम आएंगे और इसकी एग्जाम्पल आएंगे। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऑल साइड्स इक्वल, पहला है ऑल साइड्स इक्वल, मतलब सारी लाइन अगर बराबर होती हैं तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल। ई क्यू यू वाई इक्विलेटरल, एल टी एम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये बनेगी कैसे, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ये अगर 5 है ये भी 5 है ये भी 5 है, तो ये जो तीनों लाइन्स है वो क्या है, इक्वल। ये फर्स्ट आपका, अब सेकेंड देखिए इसका, कहते हैं इसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, इतनी साइड्स इक्वल होते हैं, 2 साइड्स, 2 साइड्स, उसे कहते हैं आइसोसेल्स।
इक्वल हूँ, क्या हूँ? इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, ये और ये साइड क्या हूँ? इक्वल। अब है आपका थर्ड, थर्ड है आपका ऑल साइड्स, ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। इसमें आपको क्या है, इसको कहते हैं स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल। इसमें क्या होती है, तीनों की तीनों जो साइड होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ओके स्टूडेंट, तो ये था बाय लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स। तो तीनों प्रकार की आपको मैंने बता दी, 128 पेज पे आप देख सकते हैं। सब बच्चे ध्यान से इसको ड्रॉ करेंगे, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से देखिए, पहला था ऑल साइड्स इक्वल, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है, तीनों ट्रायंगल्स की जो आपकी लाइंस है वो इक्वल है। नेक्स्ट है टू साइड्स अगर इक्वल होती तो आइसोसेलस ट्रायंगल कहते हैं, और थर्ड हो तो ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, मतलब तीनों जो ट्रायंगल की लाइन है वो डिफरेंट होगी। तो इस प्रकार आपको क्लियर होना चाहिए कौन सी ट्रायंगल क्या है। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे से बेटा। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे, इसको बनाएंगे। और ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है आपको, आपके पास स्केल पेन पेंसिल सब होना चाहिए। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है अपने अपने बुक्स ले लें। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम स्टे से बेटर, टेक केयर।